हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम बनारस। नमस्ते। बनारस की स्पेशल खाना में से पूरी सब्जी और जलेबी का नाम आता है। टाइम हो रहा है 11 AM और बाइक पर सब कुछ लोड हो गया है। अभी मम्मी पापा को फ़ोन करना है और अपडेट देना है। लाइव लोकेशन शेयर कर दूंगा घर वालों और दो तीन दोस्तों के साथ। ये होटल का केयरटेकर भैया। मैंने जब कल भैया को बोला कि मेरा फ्लैग गिर गया कहीं पे, तो भैया ने अपना फ्लैग ऑफर किया। यहाँ पे होटल में हम लोग के पास एक घंटा लगा हुआ है, लेकिन इससे एक्चुअली होगा नहीं। ये कागज़ का है और बारिश होने से भीग जाएगा और इसको मैं फोल्ड भी नहीं कर सकता, तो लिया नहीं। बट थैंक यू, अच्छा। हाँ, थैंक यू थैंक यू। मैं अभी जिस पॉइंट पे हूँ, 80 घाट के पास, यहाँ से दिल्ली 807 किलोमीटर। गूगल का हिसाब से 13.5 घंटा लगने वाला है। ए भाई, ये क्या है, साइड दे दे मुझे। तो YouTube क्या चलाते हैं क्या? हाँ, पी लीजिए। मैं अभी पी के खा पी के आया। अच्छा, मैंने देखा गाड़ी पी थी। हाँ, उधर ही खा पी के आया। ऐसा एक मैसेज भेजिए लोगों को। हाँ, स्पीकर हो आप? हेल्थ कंपनी कोई भी है? अच्छा, मैं जानता हूँ कि आपके पास एक बहुत बड़ी पावर है। ये कौन सा घाट है भैया? 80 घाट। 80 घाट है। 80 घाट का गेट बहुत है क्या? उधर भी है क्या गेट? नहीं, मेन है ये है। मेन ये कैमरा है? हाँ, कैमरा है। गर्मी अभी खड़ा हूँ तो लग रहा है, बाइक चलाने से नहीं लगता, हवा आता ना। वेस्ट बंगाल से कोलकाता। आई एम एट 80 घाट। ये मेरा पीछे जो देख पा रहे हो आप लोग, मेरा घूमने का मन था लेकिन अभी टाइम नहीं उतना मेरे पास, बाद में कभी फुर्सत लेके आऊँगा स्पेशली बनारस घूमने के लिए। ये लोग घाट के बारे में कुछ कुछ बताएंगे, जैसे मुझे कुछ पता नहीं है, आपके साथ भी शेयर हो जाएगा। आरती से सुबह 5 बजे होता है और शाम को 7 बजे होता है। सुबह बनारस इसका नाम है सर। क्या नाम है? सुबह बनारस। अच्छा, वो ये 80 घाट में ही होता है? अच्छा अच्छा। यहाँ पे मोदी जी का गोद लिया हुआ घाट है। सफाई इतना विश होता है कि मतलब समझ लीजिए घर जैसा होता है। अच्छा, जिसे कोई अपना घर का साफ सफाई करता है। हाँ, उस तरह यहाँ पे होता है। तो आप लोग ही साफ सफाई? हाँ, सब कुछ आप लोग ही करते हैं? मिलजुल कर अपना काम कर रहे हैं। अभी काफ़ी पानी बढ़ने की वजह से बोटिंग बंद है। हाँ, वैसे भी बड़ी जो बोट है वो चलती है काफ़ी, अगर VIP लोग आते हैं तो चलती है। हाँ, ये छोटा जो बोट है ये नहीं चलता? ये तो अभी नहीं चलता। अच्छा, थैंक यू, बात करके अच्छा लगा, थैंक्स। बहुत ज़्यादा हो गया गर्मी, धूप में ऑलमोस्ट आधा घंटा जैसा रुकना पड़ा 80 घाट के सामने। फट गया। दिल्ली यहाँ से 830 किलोमीटर दिखा रहा है। सुबह जब निकला था उस टाइम 807 दिखा रहा था, शायद मैंने कोई गलत टर्न ले ली। हाईवे दिल्ली जाना है, हाईवे सीधा। ठीक है। थैंक यू। कोलकाता? हाँ। कितना टाइम लगा? कल लगा 14 घंटा ऐसा लगा। देखो, अभी तक निकल नहीं पाया बनारस से, गूगल शॉर्टकट के चक्कर में कहाँ कहाँ से लेके जा रहा है मुझे। अरे ये क्या है भाई, शू बिक जाएगा मेरा। टाइम हो गया 12:18, लास्ट 25 मिनट से मैं फंसा हुआ हूँ। अप्रॉक्सीमेटली 60 किलोमीटर राइड करने के बाद एट लास्ट पहुँचा हाईवे। वैसे ये हाईवे ठीक ठाक ही है, काम चल रहा है इसलिए डाइवर्शंस बहुत है, और जब ये बन जाएगा ना तब राइड करने में मज़ा आएगा। और यहाँ से इलाहाबाद कितना दूर है? 70-80 किलोमीटर। अच्छा ठीक है, थैंक यू। एक्चुअली मैंने अपना मोबाइल अंदर डाल दिया है, इसलिए लोगों को पूछ के जगह का नाम जान रहा हूँ। ORS ख़त्म हो चुका है। एक्चुअली बनारस में जो एक घंटे ट्रैफिक में था वो मेरा पूरा खून चूस लिया मेरा। जगह का नाम है गोपीगंज, करवा लिया है फुल टैंक। दिल्ली यहाँ से 745 किलोमीटर, इलाहाबाद यहाँ से 65 किलोमीटर। तो आज कहाँ तक जा पाऊँगा पता नहीं,
आराम आराम से जा रहा हूँ, एंजॉय कर करके जा रहा हूँ। जहाँ मन करेगा उधर रात को रुक जाऊँगा मैं। पेट्रोल भरवाया है 770 रुपीज़ का 10 लीटर। ये उनका चेहरा आ रहा है अभी इधर। हाँ तो मैं जब बात करता था वैसे पकड़ के इस पे देख के बात करता हूँ। हाँ तो ये लेंस है कैमरा का, तो इधर देख के बात करने से मैं जब वीडियो देखूँगा या कोई भी देखेगा तो सोचेगा कि उनके साथ बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा, अच्छा इतना जानकारी कुछ बता दिए। हाँ नहीं नहीं ठीक है ठीक है, बाय बाय, मिलेंगे बाद में कभी। ठीक है, अब मुझे गूगल मैप चेक करना पड़ेगा कि कानपुर के तरफ जाना है कि प्रयागराज के तरफ। सीधे मुझे जाना है सीधा कानपुर के तरफ से। आज शायद मैं कानपुर रुकने वाला हूँ, शायद। रुका हूँ लंच करने के लिए। जगह का नाम है गारापुर, इलाहाबाद या फिर प्रयागराज बाईपास। ये रोड पर ढाबा बहुत कम है। जो कानपुर और प्रयागराज जहाँ से अलग हुआ था वो जगह के बाद ये पहला ढाबा मिला मुझे। रात भर रुकने से तो चार्ज नहीं, फ्री चलते हैं। इस पर डाल दीजिए। कैसे डाल? ऐसा जोर जबरदस्ती डाल दीजिए। खाना अच्छा था, 145 रुपीज। आगरा दिल्ली कानपुर सीधा लखनऊ लेफ्ट। पानी लेकिन नॉर्मल पानी नहीं है, ठंडा पानी मैं एक्चुअली अवॉइड करता हूँ, लेकिन नहीं मिला तो क्या कर सकते हैं। और अभी टाइम हो रहा है 5:30। आज कुल मैंने चढ़ा लिया 220 किलोमीटर। 12 बजे निकला था, मतलब 5-5.5 घंटा हो गया। कानपुर यहाँ से और 170-160 किलोमीटर दूर है। हाँ ये अभी रिकॉर्ड हो रहा है। ये हाईवे एटलीस्ट कोलकाता बनारस हाईवे से बेहतर है। मुझे टाइम ज़्यादा लग रहा है क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे चला रहा हूँ, आप लोगों को उतना टाइम लगेगा नहीं। सूरज ढल रहा है, मैं भी और 15-20 मिनट के बाद अंधेरा हो जाएगा। स्पेक्स चेंज करना था। यहाँ से कानपुर गूगल का हिसाब से 2.5 घंटा लगेगा, देखते हैं कितना टाइम लगता है। अभी फ़िलहाल मैं हूँ फतेहपुर में। कल रात शहर के अंदर होटल लेके मैंने गलती कर दिया था, उसका वजह से आज सुबह मुझे बहुत ट्रैफिक फेस करना पड़ा। और मैं आज ये सेम गलती दोहराऊंगा नहीं, मैं रुकने वाला हूँ किसी हाईवे साइड होटल पर। पहुँच गया मैं होटल। मैं वॉशरूम में खड़ा होकर बात कर रहा हूँ क्योंकि ये जो रूम है ना, मैंने जो रूम लिया है उसमें लाइट बहुत ही कम है। ये लाइट सबसे पावरफुल है। सो मैं कानपुर पहुंच नहीं पाया, अगर चाहता तो पहुंच जाता, मन नहीं किया। सो मैं जिस होटल पर हूँ, ये होटल का नाम है जीत, और ये कानपुर और फतेहपुर का सेंटर में है। कानपुर और फतेहपुर यहाँ से 28 किलोमीटर के दूरी पर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टोटल 7 बिस्तर है यहाँ पे। मैं रुका हूँ डॉर्मेट्री रूम, पर बेड 300 रुपीज़। नॉर्मल रूम था लेकिन वो एसी है इसलिए रेट थोड़ा ज़्यादा है, मेरे औकात के बाहर है, 1200 रुपये करके। और उन्होंने बोला कि यार कोई आता नहीं है यहाँ पे, बिस्तर बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं अकेला ही रहने वाला हूँ पूरा रात, तो इससे अच्छा ऑप्शन मिला नहीं। और मैंने एक्चुअली ये बिस्तर चूज़ किया क्योंकि उधर है स्विच बोर्ड, और अपन को स्विच बोर्ड बहुत ज़रूरत है, हर एक ब्लॉगर को ज़रूरत है। अगर आप लोगों का ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक बटन प्रेस कर दो, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन भी प्रेस कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय। अरे इधर नहीं, इधर।